अस्सलाम वालेकुम भाई जो राम एंड क्लेवरन, आपके आने का शुक्रिया और आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जोरम कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। जोरम वॉन क्लेवरन 23 जनवरी 1979 को एम्स्टरडेम में एक आम से घराने में पैदा हुआ, जिसमें बाप, माँ, भाई, छोटी बहन और एक बिल्ली थी। एम्स्टरडेम में मैं एक प्रोटेस्टेंट घराने में पला बढ़ा। हाई स्कूल से फरागत के बाद मैंने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा। मैं चंद साल एक उस्ताद रहा हॉलैंड में, और खसूसन मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें थीं। जब मैं एक अमूमी नजर डालता हूँ और जब इस्लाम की बात आई, तो मैं सियासी तौर पर फ्रीडम पार्टी की तरफ से सरगर्म हो गया। मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना और बिलाखिर मैंने एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया। इसका आगाज एक इस्लाम मुखालिफ किताब से हुआ, फिर ये खुदा की तलाश में बदली और अहतमाम मेरे मुसलमान होने पर हुआ। आपकी जिंदगी ईमान के लिहाज से कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मुसलमान होने से पहले मैं इस्लाही चर्च से एक प्रोटेस्टेंट ईसाई था। हम बाइबल पढ़ते थे, हम सबके नाम बाइबल से थे, हम सबका बपतिस्मा हुआ था, हम चर्च जाते थे, वगैरह वगैरह। यानी हम इस लिहाज से काफी हद तक ईसाई थे। जाहिर है कि मेरा खालिक कायनात पर ईमान था, मेरा जन्नत दोजख पर ईमान था, मेरा फरिश्तों की वही पर ईमान था, और जाहिर है उस चीज पर भी जो ईसाइयों को मुसलमानों से अलग करती है। यानी मेरा ये ईमान था कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, और ज्यादा फलसफियाना लिहाज से मेरा ईमान था कि वो खुद खुदा हैं। मेरा दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान था, और जाहिर है कि मसीह अलैहिस्सलाम की मसलूबियत पर भी, और मेरा कफारे पर ईमान था। लेकिन ट्रिनिटी एक इंतहाई पेचीदा तसव्वुर है, ख्वाब माने या नहीं, ये वाकई बहुत पेचीदा है। क्योंकि बाइबल में खुदा के बारे में कहा गया है कि खुदा लाफानी है, लेकिन अगर आप लाफानी हैं लेकिन फिर भी आप मर जाते हैं, तो आप बैक वक्त लाफानी और फानी नहीं हो सकते। यही वो चीज थी कि जब मैं जरा बड़ा हुआ 16-17 साल का, तो मैंने इस पर एतराजात शुरू किए कि ये लॉजिकल बात नहीं है। मैंने कई लोगों, पादरियों, तबलीगियों, हत्ता के रबियों से बात की, लेकिन मिलने वाले जवाब ज्यादा तसल्लीबख्श नहीं थे। उसने इसे मेरे लिए पेचीदा बना दिया और मेरे जहन में इस किस्म के कुछ शकूक रह गए थे। लेकिन मैंने कहा ठीक है, इसको छोड़ो, और मैंने एक जज की तरह सोचा, बस यकीन कर लिया। और शायद मैं इतना ज़हीन नहीं कि सारी बात समझ सकूं। इसके बावजूद मैं खुदा पर ईमान रखता था। मेरा फिर भी ईमान था कि मसीह अलैहिस्सलाम एक बहुत अहम शख्स हैं। मेरा ईमान था कि वो खुदा के बेटे हैं, लेकिन इसकी हकीकत को मैंने इसी पर छोड़ दिया। आपने कैसे और क्यों इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया? हाई स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया और मैंने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा। और एक काबिले जिक्र बात मेरे ख्याल में ये थी कि मेरा कॉलेज का पहला दिन 11 सितंबर 2001 था। मेरे जहन में पहले से ही था कि अच्छा, ये मुसलमान लोग वो जुनूनी किस्म के हैं और ये मजहब सच नहीं है। फिर चंद साल बाद हॉलैंड में एक शख्स थियो वान गोग था, वो एक मशहूर फिल्मसाज था, और उसे सड़क पर मार दिया गया। उसे गोली मारी गई थी और उन्होंने उसका गला काटने की कोशिश की थी, और उसके पेट में एक चाकू घोंपा था, जिस पर अयान हर्शी अली नामी एक और लड़की के लिए एक लेटर था, जिस पर लिखा था अगली बारी तुम्हारी है। लिहाजा इससे मेरे इस्लाम मुखालिफ एहसासात में इस तरह इजाफा हुआ कि मैंने सोचा मुझे कुछ करने के लिए सियासी तौर पर सरगर्म होना चाहिए और अपने मुल्क को इस बुराई या नुकसान से बचाना चाहिए। आपने इस्लाम की वजह से सियासत शुरू की? हाँ, और इसका ताल्लुक इस्लाम से ही था। यही वजह थी कि मैं एक किताब लिखना चाहता था, ताकि लोगों को बता सकूं कि इस्लाम दुनिया के लिए खतरा क्यों है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, जैसा कि मैंने पहले कहा, ईसाइत से मुतल्लिक सवालात, शक व शुबहात दोबारा उभरे, और जाहिर है ये सच्चाई से मुतल्लिक थे, क्योंकि मैं एक ईमान वाला ईसाई था, और मेरी ईसाइत के सवालात को बिलाखिर इस्लामी अंदाज में जवाब मिला। क्योंकि जाहिर है जब मैंने किताब लिखनी शुरू की, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये कोई सियासी किताब है, लेकिन ये सियासी इतनी नहीं थी, ये एक मजहबी किताब थी। क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था कि इस्लाम एक खतरनाक मजहब क्यों है, और मैंने इसे एक ईसाई नुक्ता नजर से लिखा था। लिहाजा आगाज में मैंने ईसाइत में खुदा के तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर के दरमियान मवाजना शुरू किया। लेकिन चूंकि मुझे ट्रिनिटी के बारे में ये शकूक थे, और मुझे इस्लाम में तौहीद यानी खुदा का एक होना नजर आया, हाँ ये ज्यादा माकूल बात लगती है। और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने बाइबल दोबारा पढ़ी ताकि अपना ईमान ताज़ा करूँ कि इस्लाम में तौहीद का तसव्वुर ईसाई तसव्वुर क्यों नहीं है। लेकिन जब मैं पुराना ओहदनामा पढ़ रहा था, और मैंने देखा कि पुराने ओहदनामे में पैगम्बर ने कहा था एक खुदा, एक खुदा, एक खुदा, और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं नए ओहदनामे में सिर्फ यीशु मसीह के अल्फाज देखूंगा। और फिर मुझे नए ओहदनामे में ये कहानी मिली, एक शख्स मसीह अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा जिंदगी में अहम तरीन चीज क्या है, मैं जन्नत कैसे पा सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया दो चीजें हैं, ए इसराइल तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। तो मैंने सोचा अच्छा, यीशु मसीह भी यही बात कर रहे हैं, ए इसराइल तुम्हारा खुदा एक है। लिहाजा मैंने सोचा कि खुदा का ये मुकम्मल
मुसलमान तस्वुर ज्यादा माकूल लगता है और ये वही तस्वुर है जो मुझे पुराने और नए अहदनामे में मिला था और मैंने जाना कि ईसाइत बतौर मजहब कुछ और सिखाती है, लेकिन ये खुदा का वो तस्वुर नहीं है जो मुझे बाइबल में मिला। चनाचे कई हफ्तों के मुताले, हर किस्म की किताबें पढ़ने, फिर दोबारा पढ़ने के बाद मैंने सोचा ठीक है, शायद खुदा की यकताई ही वो चीज है जो हक है। तो इस तरह इसका आगाज हुआ। अपनी तहकीक के दौरान आपने कौन से वसाइल इस्तेमाल किए? चूँकि मैं काफी हैरान परेशान था, लिहाजा मैंने उन मजहबी मामलात पर कई अथॉरिटीज को खत लिखे और एक तहरीर मैंने शेख अब्दुल हकीम मुराद को लिखी थी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये जाहिर है एक लिहाज से बड़ी अजीब बात थी क्योंकि मैं पहले एक सियासतदान था, फिर भी मैं इस्लाम मुखालिफ मकसद से इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिख रहा था और मैं दूसरे मुल्क के मुसलमान प्रोफेसर से पूछ रहा हूँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लिहाजा मैंने उन्हें बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं, लिहाजा सादे अल्फाज में मैंने कह दिया कि मैं क्यों सोचता हूँ इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, ये औरत ईसाइत और दूसरी चीजों का मुखालिफ क्यों है। और शायद 6 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे एक तफसीली ईमेल भेजी और बराह रास्त समझाना शुरू किया, मेरे बहुत से सवालों के जवाब दिए, लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा, ये किताब वो किताब पढ़नी होगी, उस शख्स से पूछना होगा। उनके समझाने का अंदाज बहुत तफसीली था, लेकिन बिलाखिर तमाम किताबें और मजामीन पढ़ लेने के बाद मैंने पुराने ओहद नामे के पैगम्बरों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुवाजना किया। अब मेरे पास कोई एतराज ना था कि वो सब पैगम्बर हैं और ये नहीं है, और मैंने सोचा अच्छा अगर मैं इन्हीं बुनियादों पर हजरत मूसा को तस्लीम करूं, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम ना करूं, तो फिर ये कुछ और बात है। मैंने सोचा मैं इन्हें पैगंबर क्यों नहीं समझता, मैंने सोचा शायद इसलिए कि उनकी बहुत सी बीवियां थीं, लेकिन फिर जब आप हजरत सुलेमान को देखते हैं या आप हजरत दाऊद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, पुराने अहदनामे में कई अफराद का जिक्र है जिनके एक से ज्यादा बीवियां थीं, हत्ता के जब आप गैर मजहबी किताबों में देखते हैं तो सकाफती तौर पर यूरोप अफ्रीका एशिया हर जगह ऐसे मर्द हैं जो कई वजूहात की बिना पर कई बीवियां रखते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये भी कोई वजह नहीं हो सकती, तो एक एक करके ये तमाम वजूहात यकजा हुई। बिलाखिर मैंने सोचा कि मुझे कहना पड़ेगा ये सब पैगंबर नहीं है, मगर मेरा इस पर ईमान ना था क्योंकि मेरे ख्याल में जो काम उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने की, जो मौजजात दिखाए, वो अपनी बातों और कामों से साबित शुदा थे, लिहाजा फिर तो वो हैं। और फिर मैंने कहा फिर मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगंबर हैं, लेकिन मुझे इसमें शुबा था, तो पहले मैंने सोचा कि तारीख मुझे बताती है कि वो सबसे बुरे शख्स हैं, फिर मैंने कहा कि शायद वो इतने बुरे ना हो लेकिन वो पैगंबर भी ना हो, और बिलाखिर मुझे ये शुबा होने लगा कि वो पैगंबर ही हैं। हाँ, इसी बात ने मुझे एक बार फिर कई किताबें पढ़ने पर मजबूर किया, और एक बात जो मेरे ख्याल में अब्दुल हकीम मुराद के बारे में बहुत दानिशमंदाना थी वो ये थी कि उन्होंने कहा तुम इस्लाम मुखालिफ दलाइल पर जो किताबें पढ़ते हो वो गैर मुस्लिमों ने लिखी हैं, अगर तुम ईसाइत के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो मुल्हिदों की किताबें ना पढ़ो बल्कि ईसाइयों की लिखी किताबें पढ़ना शुरू करो, वो इस पर क्यों ईमान रखते हैं, उनके दलाइल क्या हैं, लिहाजा इस्लाम के हवाले से भी तुम्हें यही करना चाहिए, इस्लामी असातिज़ा इस्लामी उल्मा वगैरह की लिखी हुई किताबें पढ़ना शुरू करो, और फिर एक ही मौजू पर मुसलमान और गैर मुस्लिम मुसन्निफीन की किताबों का मुवासना करके तुम देख सकते हो कि कहाँ उन्होंने गलत मोड़ लिया, कहाँ अल्फाज का गलत अंदाज में तर्जुमा किया, बास मरतबा गैर दानिस्ता तौर पर वो नहीं जानते कि कहाँ चीजें शामिल हुई कहाँ खारिज हुई, लिहाजा बिलाखिर आपको एक नया मजहब तश्कील पाता हुआ नजर आता है सिर्फ इन्हीं तमाम बातों की वजह से, और मैंने यही किया, मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी यही किया, मैंने मार्टिन लिंक्स की किताब पढ़ी द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई माखज पर मबनी थी, और जाहिर है ये एक नौ मुस्लिम ने लिखी थी, और उसके दलाइल देने का अंदाज उसके बताने का लिखने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये सकाफती मुमासलत थी, मसलन मैं किसी मखसूस मौजू वगैरह पर कैसे जाऊँ, और पहली मरतबा मैंने उन्हें देखा एक जंगजू के रूप में नहीं क्योंकि मेरे जहन में उनकी यही तस्वीर थी, बल्कि मैंने उन्हें एक बाप के रूप में देखा और उन्हें एक दोस्त एक उस्ताद और दिगर कई रूप में देखा, और हाँ तब मैंने उस शख्स को अपने किरदार में देखा और मैंने कहा मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन ये नहीं कह सकते वो अच्छे इंसान नहीं है, चनाचे उनके किरदार ने मुझे मजीद पढ़ने और मजीद जानने पर उकसाया। अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हिंदा से मुतल्लिक कहानी ने कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विच हो, जैसे मुझे बदलना होगा, और इसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा हिंदा वो एक दुश्मन अबू सफियान की बीवी थी और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी, और मैदान जंग में ऐसा हुआ वो शहीद हो गए, हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाए और लाश की बेहरमती की। बिलाशुबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकये से बहुत गमगीन थे, और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए, वो मक्का में बरसरे इक्तदार आ गए, और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी और मैं ये किताब में पढ़ रहा था, और मैंने सोचा कि अच्छा अब से मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता लेकिन सबको माफ कर दिया गया है, और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो
तो ऐसा मुमकिन है और अगर नहीं तो जा सकती हो, लेकिन अब खून रेजी खत्म हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, खसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को जिसने लोगों के सामने उनके जिस्मानी अज़ा की नुमाइश की हो आपकी और आपके नजरिए की तहकीर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। ये बहुत बड़ी खूबी है, ऐसी खूबी जो बहुत नायाब है और उन्होंने यही किया। तो मैंने सोचा हाँ वाकई वो बहुत खास इंसान थे, और ये जानने के बाद मैंने सोचा मेरे पास उनके पैगंबर होने के दलायल हैं। उनका किरदार और दीगर लोगों के साथ उनका सलूक मेरे सामने है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे ख्याल में वो पैगंबर हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा ओ ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि मैं पहले से ही खुदा की वहदानियत को मानता हूं और अब मैं मान रहा हूं कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूं कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा चलो किताबें बंद करता हूं, इसे रोकता हूं, ये सब गलत सिमत में जा रहा है। और यकीनन मैंने जो पढ़ा या देखा और जो कुछ तजर्बा किया उसके बायस मैं अब पहले जैसा इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये सब एक तसव्वुराती कहानी की तरह लगता है, लेकिन आखिर में वाकई ऐसा हुआ। मेज पर ये सारी किताबें पड़ी थी और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है, तो मैंने कहा अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गई, और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरह 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी, मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है, मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर हैं, खुदा एक है, मैं तस्लीम नहीं कर सका। तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था, मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा ए खुदा मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मैं वाकई बहुत महफूज महसूस कर रहा था, मैंने कभी किसी हवाले से इतना महफूज महसूस नहीं किया। मेरा सारा इस्तराब और शको शुभात खत्म हो गए थे सूरज के सामने बर्फ की तरह, और मैंने खुद से कहा शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर जाहिर है मुझे दूसरे लोगों को भी बताना था। आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द अमल था जब आप मुसलमान हुए? अक्सर का रद्देमल मनफी था। यकीनन बहुत से लोगों के लिए, खसूसन कुछ अंकल और आंटियों के लिए एक सदमा था। उन्हें खबरों से इसका पता चला और जब अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। और मेरी बीवी काफी खुले जहन की थी, हाँ वो इस बारे में बहुत मुस्बत थी। उसने कहा अच्छा अगर इस्लाम ही आपका हकीकी ईमान है और ये आपके दिल में है, मैं कौन हूँ? और मेरी पिछली मुलाजमत के कुछ साथी काफी जारहाना थे। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की, हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर यकीनन अहमक हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पर फजूल लिखने वाले पागल लोग हैं। तो वो काफी मुश्किल वक्त था और मुझे अपने काम पर भी जाना था, और ये एक ईसाई तंजीम थी। उसके लीडर ने कहा ये नकाबले यकीन है, और उसने कहा हाँ मैंने तब्दीली महसूस की थी जब तुम रेडियो पर मखसूस मौजूद पर बोलते थे तो कुछ ज्यादा ही नरम मिजाज होते थे, पहले की तरह सख्त नहीं, तुम मुसलमान हो रहे थे। और जब मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया था, तो उसने कहा कि मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका, मैं इसे तस्लीम न कर सका। ये इंतहाई अजीब था, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अपने दादा को बताना था, क्योंकि मेरे दादा मरने वाले थे। उनकी उम्र तकरीबन 93-94 साल थी और वो घर में बिस्तरे मर्ग पर थे। मुझे उन्हें बताना था और मेरी माँ ने मुझे कहा था तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दादा उनके वालिद थे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो एक ढाल की तरह थे और मैंने सिर्फ इतना कहा कि दादा मैं मुसलमान हो गया हूँ। और फिर उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली और मैंने सोचा कि उनकी सांसें बंद हो गई हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। और कुछ देर के लिए वाकई उनकी सांसें रुक गई और फिर वो दोबारा सांस लेने लगे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा चलो कम अज कम तुम कैथोलिक तो नहीं बने। तो ये बहुत मजाहिया बात थी। और आखिरी बात रेडियो में मेरे पुराने बॉस ने कहा अच्छा हमें क्या मालूम कि कल को तुम हिंदू या कुछ और बन जाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कभी मजहब मुंतखब नहीं किया, ऐसा एक ही बार हुआ जब मैं मुसलमान हुआ था, इससे पहले मैंने अपना मजहब मुंतखब नहीं किया था। मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, मेरी परवरिश एक ईसाई तरीके से हुई और मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम अच्छी चीजों के लिए जो इससे मुझे मिली, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था। और सिर्फ एक बार जब मैंने फैसला किया तो वो मेरा मुसलमान होने का फैसला था, और ये सबसे ज्यादा, जैसा मैंने कहा मुझे लगता है ये मेरा सबसे अहम फैसला था और मेरा सबसे अकलमंदाना फैसला था। मैंने कभी एक फैसला करने में साल हर साल नहीं लगाए सिवाय मुसलमान होने के।
जब आपने अपनी पहली नमाज पढ़ी तो कैसा लगा? यकीनन ये एक खूबसूरत लम्हा था, लेकिन बहुत अजीब भी था, क्योंकि इसाइत में आपको इस तरह इबादत करने की आदत नहीं होती। आप हाथ जोड़कर इबादत करते हैं और शायद घुटनों के बल अपने हाथ वगैरह के सामने बैठकर, लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि आप वाकई सजदा करते हैं, आप वाकई अपने रब के आगे निहायत आजिजी से झुकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आजिजाना और खूबसूरत अदा है, और हाँ, इससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आपको तीन सबसे बड़े किन चैलेंजेस का सामना हुआ जब आपने इस्लाम कबूल किया? यकीनन मुसलमान बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे अपने पूरे खानदान को भी बताना था, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये सोचना कि मुसलमान बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खसूसन एक प्रोटेस्टेंट ईसाई के तौर पर मजहबी लिहाज से आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, लेकिन बतौर मुसलमान अमली तौर पर दिन में 5 वक्त की नमाज जरूरी है, खाना एक खास तरीके से खाना जरूरी है, एक खास अंदाज से सोचना जरूरी है, आपके लिए हर लम्हा बेहतरीन रहना जरूरी है, अपने खालिक से ताल्लुक के बायस और इस हकीकत की वजह से कि आपको दिन में 5 वक्त नमाज अदा करनी है, एक तरह से खालिक की मुस्तकिल याद दहानी है, तो ये आपको एक ईसाई के मुकाबले में इस हकीकत से कहीं ज्यादा गा रखता है कि आपका एक रब है। ये मेरा तजर्बा है, और मैं सोचता वो आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना मैं नहीं कर सकता, मुझे करना है। तो इस चीज ने सोच मुश्किल बना दी, लेकिन मेरे मुसलमान होने के बाद ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। क्या आप अपने बच्चों की परवरिश भी बतौर मुसलमान कर रहे हैं? आप यकीनन कोशिश करते हैं, मुझे पता नहीं कि आप एक मुसलमान की परवरिश कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर इस दौर में। जाहिर है जब मैंने शादी की तो मैं मुसलमान नहीं था। आपने एक तरह से अहद किया कि आप अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई करेंगे, तो मुसलमान होने के बाद जाहिर है मैं अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई नहीं कर रहा। अगर ईसाईयत से मुतल्लिक बच्चों का कोई सवाल होता है तो वो मेरी बीवी से पूछते हैं और उन्हें ईसाई जवाब मिलता है, और अगर वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें इस्लामी जवाब मिलते हैं, लेकिन अक्सर वो कहती है कि अपने बाप से पूछो, मेरी बीवी सबके लिए हलाल खाना पकाती है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। वो कहती है मैं 5 खाने नहीं बनाऊंगी, तो सब एक जैसा खाना खाते हैं, आप हलाल खाना चाहते हैं तो सब हलाल खाते हैं, तो एक तरह से ये कुदरती अमल की तरह है। इस्लाम के खिलाफ आपका शदीद तरीन और अफसोसनाक इजहार ख्याल क्या था? मेरे ख्याल में इस्लाम एक झूठ है, क्योंकि ये बात मैं अक्सर कहता था, इस्लाम झूठ है और कुरान जहर है। लेकिन जब मैं कहता था कि इस्लाम एक झूठ है, तो इससे मेरी मुराद थी कि सारा मजहब और उससे मुंसलिक हर चीज, तो ये एक तरह से जहालत का आला तरीन दर्जा था। हाँ, मुझे इस चीज का अफसोस है, क्योंकि ये एक छतरी की तरह था और बाकी सब कुछ इस्लाम एक झूठ है के तसव्वुर के तहत आता था, क्योंकि यही बुनियादी सोच थी। और यकीनन मैं खुद को इल्जाम देता हूँ और जानता हूँ कि ऐसा करने वाले बहुत से लोग अमली मुसलमान नहीं हैं, और एक तरह से मैं इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि हर चीज जो सियासी, सामाजिक और सकाफती लिहाज से कही और की जाती है, उसे भी शुमार किया जाता है। मैं कभी कभी अपनी पुरानी पार्टी के लोगों के दलाइल भी सुनता हूँ जिन्हें मैंने नाराज किया। हाँ, ये चीज मुझे परेशान करती है, और यही वजह है कि हमने IXC इस्लामिक एक्सपीरियंस सेंटर नाम एक तंजीम कायम की, और हम स्कूलों, प्राइमरी और हाई स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यहाँ तक के हुकूमत के 2 महकमों, दीगर समाजी तंजीमों और गिरजाघरों में जाते हैं इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने, पैगाम फैलाने और इस्लाम को उसके हकीकी रंग में दिखाने के लिए, और हम ये ऐनक के साथ वर्चुअल रियलिटी के जरिए करते हैं, तो ये एक बहुत लुत्फ तजर्बा भी होता है, और इस तरह हम इन चीजों को मिटाने की कोशिश करते हैं जो मैंने माजी में कहीं और की हैं। लोगों को इस्लाम के बारे में कैसे तहकीक करनी चाहिए? क्या आप सिर्फ गूगल सर्च का मशवरा देते हैं? नहीं, मैं यकीनन गूगल का मशवरा नहीं दूंगा, मैं कभी इसका मशवरा नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि कंप्यूटर बंद कर दो। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि लोग किताबें पढ़ें, असली सफात वाली किताबें। मैं मशवरा दूंगा मार्टिन लिंक्स की किताब मोहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्ली सोर्सेज पढ़ें, जिस किताब की मैंने पहले बात की थी, ये एक सब्ज किताब है, और मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुरान का खुद से गहरा मुतालिया ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा किताब है, और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं जो आपको सिखा सके, खास तौर पर ज्यादातर लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, रवानी से अरबी या क्लासिकी अरबी बोलने वाले नहीं होते, तो आप कुरान की तफसीर या तर्जमा पढ़ते हैं, और जाहिर है ज्यादातर ये मुसद्दिका नहीं होता, इसलिए मैं लोगों को सिर्फ सीरत का मुतालिया करने का मशवरा दूंगा। नबी के किरदार और जिंदगी का मुतालिया करें, क्योंकि रवायत भी हमें यही सिखाती है, उनकी जिंदगी कुरान थी, वो एक तरह से जिंदा कुरान थे। उनकी सुन्नत का मुतालिया करें, और मेरे ख्याल में ये इस्लाम को दरियाफ्त करने का बेहतरीन तरीका है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान होने के बाद पहले से ज्यादा खुशोखुरम हो गया हूँ, इसलिए मैं सबको मुसलमान होने की दावत देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी रूह और आपके दिल को खुशी और सुकून देता है। ये सच है, यह आपके दिलो जान से हम आहंग है। कम अज कम इसे इस्लामी नुक्ता नजर से देखें, सीरत नबी को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि मुसलमान किस बात पर ईमान रखते हैं, उनके रवैयों से कताए नजर, क्योंकि मुझ समेत बहुत से मुसलमान हैं जो मुसलमानों की तरह नहीं रहते। मैं हमेशा एक मुसलमान की तरह नहीं रहता, हालांकि रहना चाहिए मुझे भी और बाकी सबको भी, लेकिन आप तमाम मिसालों से बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को देखें, और अगर आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो शायद आपको रहनुमाई मिल जाए।
ये आपको सच की तरफ ले जाती है।